हेलो आप सबको। एंड आज सुबह हमने आसमान में एक सोलर इक्लिप्स देखा। मैं मुंबई में रहता हूँ और लॉकडाउन की वजह से अपने घर से दूर हूँ फिलहाल, पर फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन करके ये बताने में कोई देरी नहीं की कि बेटा सोलर इक्लिप्स को डायरेक्ट मत देखना, सही नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं उसे नहीं देख सकता तो फ़ोटोशॉप में क्रिएट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग फ़ोटोशॉप में सोलर इक्लिप्स की एक बेहतरीन सी इमेज क्रिएट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे फोटोशॉप 2020 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इससे कोई लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर फोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इंटरफेस कुछ डिफरेंट दिख सकता है। नाउ सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू में जा कर के न्यू फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा आपके सामने, जिसमें आप नेम डाल सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट का नाम आप डालना चाहते हो। विड्थ एंड हाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने अभी एक प्रीवियस फाइल बनाई थी जिसमें यही विड्थ एंड हाइट थी एंड मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मैं 1920x1080 पे इसको बना रहा हूँ। तो मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। ये वाइट कलर की बैकग्राउंड लेयर हमारे पास आ गई है। अब मैं इस बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर रहा हूँ एंड मैं इसका नेम चेंज कर रहा हूँ। आई एम नेमिंग इट ब्लैक। आप इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि मेरा फोरग्राउंड कलर इस वक्त वाइट है एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। तो मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा करके इसको ब्लैक कर रहा हूँ बैकग्राउंड लेयर को अपने। मेरी बैकग्राउंड लेयर अब ब्लैक हो चुकी है एंड नाउ मैं लेयर पैनल के नीचे से ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा है राइट कॉर्नर में, उसे प्रेस करके एक न्यू लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जब भी फोटोशॉप में कुछ ड्रॉ करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक बेसिक इमेज होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने एलिमेंट्स एक एक करके ड्रॉ करता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ड्रॉ करते करते ट्रायल एंड एरर करके भी वो चीज़ सीख सकते हैं। तो अभी जैसे कि मुझे एक सोलर इक्लिप्स बनाना, तो मुझे पता है कि मुझे दो चीज़ें तो चाहिए, एक सन एंड एक मून। तो सबसे पहले मैं सन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं शेप टूल की हेल्प लूँगा, तो ये शेप टूल गया मैं एंड मैं यहाँ से इलिप्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इस तरह से माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे तो एक सर्कल क्रिएट करेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप शिफ्ट दबा के एक्शन करेंगे तो वो एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट करने लगेगा। अभी क्योंकि मेरा फोरग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली वाइट है तो इसने इसमें वाइट कलर फिल कर दिया है, वरना आपका अगर कोई और सेलेक्टेड है तो आपको कलर पैनल पे डबल क्लिक करना है एंड वहाँ से आपको सन का कलर वाइट करना है। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो वाइट कलर का सन क्रिएट किया है इसके चारों तरफ एक वाइट कलर की रेडिएशन निकले, एक वाइट कलर की लाइट निकलते हुए दिखाई दे। तो उसके लिए मैं फेदर्स लगाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे सन सेलेक्ट करना होगा एंड सिलेक्शन के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ। मैजिक वॉन्ड सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको कोई ऐसे सिलेक्शन करनी होती है जहाँ पे दो बहुत ही कंट्रास्ट कलर होते हैं, यानी यहाँ हमारे पास ब्लैक एंड वाइट है तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता कि मैं मैजिक वॉन्ड से बस इस वाइट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड ये पूरा वाइट स्पेस सेलेक्ट कर लेगा। नाउ उसके बाद हमें इस सिलेक्शन पे राइट क्लिक करना है एंड हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि एक ऑप्शन है फेदर्स का। नाउ यहाँ पर हमें फेदर रेडियस एंटर करना है एंड यहाँ पे मुझे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 शो कर रहा है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे इसे कितनी वैल्यू रखनी है, पर अभी मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह का इफ़ेक्ट देगा। सो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लेट्स से इसको 25 ले रहा हूँ एंड देखते हैं कैसा आता है, फिर हम बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो ये इफ़ेक्ट आया है एंड मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं फिर से इस पर राइट क्लिक करूँगा एंड फेदर सेलेक्ट करूँगा। नाउ मुझे अब थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है किस तरह का इफ़ेक्ट देगा, तो मुझे लेट से इसकी वैल्यू अब मैं 40 ले रहा हूँ। नाउ इसने हमारा कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट दे दिया एंड ये मुझे काफ़ी ओके लग रहा है एंड मैं इसके साथ अभी आगे चलता हूँ। बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे अगर हमें कुछ चेंज करना हुआ तो। ऐसे थोड़ा सा सेंटर में एडजस्ट कर रहा हूँ एंड अब नाउ एक फिर से न्यू लेयर ले रहा हूँ जिसमें मैं अब मून ड्रॉ करूँगा। मैंने फिर से यहाँ पे शेप टूल चूज़ किया है एंड एलिप्स चूज़ किया है एंड मैं फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ अब इस सर्किल में हम ब्लैक कलर फिल करेंगे
मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबा रहा हूँ एंड ये ब्लैक कलर फिल कर देगा। नाउ मुझे अब इस ब्लैक सर्कल को वाइट सर्कल के ऊपर प्लेस करना है। सी, सोलर इक्लिप्स कई तरह के होते हैं, पार्शल होते हैं, कंप्लीट होते हैं एंड एनुलर होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सोलर इक्लिप्स बना रहे हो। तो मैं यहाँ पे थर्ड टाइप क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें सन एक रिंग की तरह दिखेगा मून की चारों तरफ, एंड ये उस फेस पर है जब सोलर इक्लिप्स धीरे धीरे हटना शुरू हुआ है कम्प्लीट रिंग से। तो हमें एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट बाहर आते हुए दिखेगी। मुझे मेरा ब्लैक सर्कल थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है। तो मैं लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये जो प्रोसेस है प्लेसमेंट वाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यही एक फ़ाइनल आउटपुट में ख़राब भी दिख सकता है और यही उसकी खूबसूरती बढ़ाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से मून को प्लेस करना है सन के ऊपर। आप टाइम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान से करिए ताकि जो शेप आप देना चाह रहे हो उस सन के ऊपर मून को, वो परफेक्टली दिखे। आपके कीबोर्ड पे जो एरो कीज़ हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हो इसे परफेक्टली प्लेस करने के लिए। मुझे अब इसकी प्लेसमेंट अच्छी लग रही है एंड नाउ अब मैं आगे काम करने जा रहा हूँ। तो मैं फिर से एक न्यू लेयर ले रहा हूँ। नाउ इस न्यू लेयर पे मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करने वाला हूँ। सी, मेरे दिमाग में जो इमेज है उसमें सन और मून के चारों तरफ एक येलोइश कलर की लाइट, येलो ऑरेंज कलर की लाइट रेडिएट होगी। सन से हीट हमेशा रेडिएट होती है एंड वो सोलर इक्लिप्स के दौरान भी रेडिएट होगी, तो उसका एक इफेक्ट हमें उसके चारों तरफ दिखेगा। उसी इफेक्ट को बनाने के लिए मैं ग्रेडिएंट की हेल्प लेने वाला हूँ। तो एक कलर में ब्लैक ले रहा हूँ एंड जो सेकंड कलर में चूज़ करने वाला हूँ वो गोल्डन साइड का होने वाला है। तो येलो और ऑरेंज के बीच आप एक कलर चूज़ कर सकते हैं एंड उसको आप थोड़ा गोल्डन टिल्ट दे सकते हो। आप ह्यूज, सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो एंड उससे वो गोल्डन टच में आ जाएगा। नाउ प्रॉपर कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस ग्रेडियंट को अपनी नई लेयर पे अप्लाई कर रहा हूँ। मेरा ये ग्रेडियंट मून वाली लेयर पे भी अप्लाई हो गया है, तो मैं मून वाली लेयर को उठा करके ऊपर कर दे रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम रिजल्ट के लिए श्योर नहीं होते हैं और हम बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी ग्रेडियंट की ओपेसिटी 10% रखी हुई है और मैं अभी ट्राई करके देख रहा हूँ कि मुझे किस तरह का इफेक्ट सेटिस्फैक्ट्री होगा। मेरी सन वाली लेयर पे भी ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है, तो मैं उसे भी नीचे कर रहा हूँ। ये जो ग्रेडियंट से इफेक्ट आया है मुझे अभी के लिए काफ़ी सही लग रहा है, और अगर इसमें कुछ करना है तो मैं बाद में एडजस्ट करूँगा। नाउ अब मैं इस इमेज की फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टूल पैनल से ब्रश टूल ले रहा हूँ एंड ये जो कलर है इसका वो ब्लैक चूज़ कर रहा हूँ। कलर पैनल के कलर्स को स्विच करने के लिए आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कंट्रोल एक्स। नाउ मुझे अब इस ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ एडजस्ट करनी है। आप टॉप पे कुछ ऑप्शंस देख सकते हो, दैट इज़ ओपेसिटी, फ्लो एंड स्मूथनिंग। इन तीनों की वैल्यूज़ मैंने काफ़ी कम रखी हुई हैं, हालांकि इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए। मैं यहाँ पे बेसिकली सन से जो एक यूनिफॉर्म लाइट निकल रही है उसकी यूनिफॉर्मिटी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये बहुत ही हल्के हाथों से कर रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट आपको प्रोमिनेंट अभी नहीं दिख रहा होगा, पर अभी जब मैं इस लेयर ऑफ करके दिखाऊंगा तो इसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा। मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को और एडजस्ट कर रहा हूँ। ब्रश का साइज़ आप कीबोर्ड से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ब्रैकेट की से, लेफ़्ट ब्रैकेट की से छोटा होता है, राइट ब्रैकेट की से बड़ा होता है। अब मुझे इसकी यूनिफॉर्मिटी काफ़ी सही लग रही है। अब मैं लेयर ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको इसका इफ़ेक्ट काफ़ी क्लियरली नज़र आएगा कि ये किस तरह का काम हुआ है। ये जो छोटे छोटे काम आप करते हो यही आपकी इमेज को बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मुझे अपने मून के ऊपर एक फ्लेयर इफेक्ट डालना है, तो मैं इसके लिए फ़िल्टर मेन्यू में जाऊँगा। यहाँ आप बॉटम पर देख सकते हो रेंडर में आप लेंस फ्लेयर चूज़ करेंगे। नाउ अब हमारे सामने एक लेंस फ्लेयर का डायलॉग बॉक्स है। सी, इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। लेंस टाइप में आप नीचे देख सकते हो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, और ये जो छोटी सी स्क्रीन हमारे सामने होती है उसमें हमें उस ऑप्शंस के इफ़ेक्ट दिख रहे होते हैं।
पर ये स्क्रीन बहुत छोटी है इसलिए हम इस पर क्लियरली इफ़ेक्ट नहीं देखते हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम उनको चूज़ करें, ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो एंड उसके बाद आप ओके क्लिक करके उनको देख सकते हो कि वो कैसा इफ़ेक्ट दे रहे हैं। ये जो इफ़ेक्ट मेरे सामने आया है मून के ऊपर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मुझे सही लग रहा है अपने मून के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अपने इमेज में सन की एक काफ़ी हैवी सी लाइट निकलते हुए कॉर्नर से चाहिए थी, तो मैं उसके लिए कुछ इफ़ेक्ट देखने जा रहा हूँ। तो मैं फिर से जा रहा हूँ फ़िल्टर पे, लेंस फ्लेयर चूज़ कर रहा हूँ मैं वहाँ से। ये इफ़ेक्ट मुझे कुछ जम नहीं रहा अपनी इमेज के लिए, सो मैं अगेन इसको चेंज करने जा रहा हूँ। मैं इस बार सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं सर कैसा इफ़ेक्ट आता है। ये सही लग रहा है काफ़ी, बस मुझे इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट एडजस्ट करने की ज़रूरत लग रही है, तो मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ एंड नाउ अब मैं थोड़ा इसको सन और मून के प्लेसमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। नाउ दिस लुक्स परफेक्ट। तो मैं बाकी इमेज को थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ, मैं टूल पैनल से क्रॉप टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड अब मैं लेफ्ट साइड से एंड बॉटम साइड से इमेज को क्रॉप कर रहा हूँ। डन। अब मुझे वो हैवी सी लाइट वाला इफ़ेक्ट डालना है जिसके लिए मैं फिर से लेंस फ्लेयर की हेल्प लूँगा। इस बार मैं छोटी सी स्क्रीन में थोड़ा इफ़ेक्ट देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा इफ़ेक्ट मुझे वो रिज़ल्ट देगा जो मैं चाह रहा हूँ। आई नो आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे कि तब से लेंस फ्लेयर से खेल रहा हूँ मैं, पर बिलीव मी ये जो फिनिशिंग है ये किसी भी इमेज क्रिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है एंड हम जितना बारीकी और जितना ध्यान से करेंगे हमारी इमेज उतनी ही लास्ट में निखर के आएगी। कूल, ये एकदम सही इफ़ेक्ट मिल गया मुझे इस बार एंड अब ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट वैसी लग रही है जिस तरह मुझे चाहिए। अब बस मुझे एक आखिरी का छोटा सा काम करना है जो इस इमेज में और थोड़ी सी जान ले आएगा। तो सबसे पहले मैं इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे इन सारी सेलेक्टेड लेयर्स को अब मर्ज कर देना है जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस ई। नाउ मर्ज करने के बाद मैं लेयर पैनल के नीचे से एक एडजस्टमेंट लेयर पिक कर रहा हूँ एंड दैट इज़ वाइब्रेशन एंड सैचुरेशन की। एंड नाउ फटाफट अब मैं इन दोनों की वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आपको ये काम करना है, आपको इफ़ेक्ट देखना है उसका इमेज पे बाकायदा कि कैसा आ रहा है, जिसे आप नीचे वाली आई पे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। कलर वाइज अभी इमेज मुझे सही लग रही है, बस वो जो फ्लेयर इफ़ेक्ट है मून के ऊपर बस मुझे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी और इंक्रीज़ करनी है, जिसके लिए अब मैं फिर से एडजस्टमेंट लेयर्स में से लेवल्स चूज़ कर रहा हूँ। मैं बहुत हल्के से मिड टोन्स, लाइट टोन्स एंड डार्क टोन्स को एडजस्ट करूँगा उस फ्लेयर पर बारीक नज़र रखते हुए, ताकि मैं वो इफ़ेक्ट जनरेट कर सकूँ जो मैं चाह रहा। नाउ इट्स ऑल डन। मैंने वो इमेज बना ली है जो मेरे माइंड में थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है जबकि इसे क्रिएट करने मुझे मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगे थे। एक्चुअली एक्सप्लेन करने में शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया है, पर फ्रेंड्स ये मेरा पहला वीडियो है सो यहाँ से जो भी होगा इम्प्रूव भी होगा। अगर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स पसंद हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं और भी वो चीज़ें क्रिएट करूँगा जिस तरह का आप बनाना चाहते हो। मैं फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड प्रीमियर तीनों चीज़ों पे काम करता हूँ, तो मैं इन तीनों को लेकर के वीडियोस बनाऊँगा। जो भी चीज़ें आपको उनमें सीखनी है, जाननी है, आप मुझे बता सकते हैं। आपको इस वाले क्लिप्स की इमेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइए अगर आप लोग को फ़ोटोशॉप, प्रीमियर या फिर इलस्ट्रेटर की क्लास वाइज ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो भी बना सकता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक फिल्म मेकर हूँ और मैं उससे जुड़ी भी बहुत सारी बातों पे वीडियोस बनाऊँगा इस चैनल पे, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर रिव्यूज़ भी दूँगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और औरों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।